मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अपूर्व नागर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम से आज आपको बीए फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट संगठन के बारे में पढ़ाऊंगा। संगठन जैसा हम जानते हैं, संगठन हर जगह होता है, सारी दुनिया में संगठन चलती है। आपका परिवार भी एक संगठन है, फौज संगठन है, पुलिस संगठन है, सरकार एक संगठन है, आपका फैमिली एक संगठन है, हर चीज़ एक संगठन में बंधी हुई होती है। तो हम ये देखते हैं कि संगठन आखिर है क्या। संगठन अनेक व्यक्तियों द्वारा बनाया गया एक समूह है। ये संगठन अपने समूह के लोगों की रक्षा करता है, अपने समूह के लोगों को निर्देशन देता है, अपने समूह के लोगों को जिम्मेदारी दायित्व सौंपता है, जिससे कि उनके कॉमन गोल यानी कॉमन ऑब्जेक्टिव यानी कॉमन उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हो सके। जैसे आपका घर एक संगठन है और आपके घर में जो आपका उद्देश्य है वो है आपकी पढ़ाई, आपकी बहन की शादी, और आपको कोई जो भी जॉब करना, जॉब के अंदर सहायता करना, पढ़ने में सहायता करना, आपको टाइम पर खाना देना। तो विद्यार्थियों के लिए ये फैमिली एक छोटा संगठन, छोटे लेवल पर एक संगठन है, और इस संगठन में वो अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके, उनके सारे कार्य हो सके। उसी प्रकार से जिस प्रकार से महाविद्यालय में जब आप महाविद्यालय का एक भाग बनते हैं, पढ़ने आते हैं महाविद्यालय में, तो आपके लिए टीचर और ऑफिस के लोग हैं ताकि आपको टीसी दे सकें, आपका एडमिशन कर सकें, आपका फॉर्म भरें, आपकी फीस भरें, और आपके क्लासेस टीचर्स क्लासेस टाइम पे ले सकें, आपका सिलेबस पूरा करके आपको एग्जाम पास करने में आपकी मदद करें, आपको ज्ञान अर्जन करने में मदद करें आपकी। तो ये भी एक संगठन है। इस प्रकार चाहे बिजली विभाग हो, सड़क बनाने वाला सड़क विभाग हो, ये सारे संगठन है, इनका कार्य एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति है। जैसे शिक्षक का काम शिक्षा देना, इसका काम है पुलिस गिरी करना नहीं है, मतलब अपराधियों को पकड़ना शिक्षक का काम नहीं है। उसी प्रकार से देश की बॉर्डर की रक्षा करने का काम फौज का है। उसी प्रकार से रोगियों को देखने का काम डॉक्टरों का है, तो उसके लिए चिकित्सालय मौजूद हैं। तो ये हर व्यक्ति को अपना काम सौंपा गया और सरकार ने उसको ऑथराइज किया है कि वो यही काम करेगा, तो वो काम करता है। ऐसा नहीं है, चिकित्सक जब पढ़ाता है मेडिकल कॉलेज में तो वो भी उसकी एक भूमिका है शिक्षक की, लेकिन शिक्षक पढ़ाता है और वो टीचर की तरह भी पढ़ा सकता है, और हम इसको सामान्य भाषा में एक इंजीनियर जिस प्रकार से कार्य करता है फील्ड में, और एक इंजीनियर जिस प्रकार से पढ़ाता भी है कोई कोचिंग टीचिंग क्लासेस जो है आपकी स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की, जो इंजीनियरिंग कॉलेज विद्यार्थियों की जो टीचिंग क्लास लेता है, तो वो भी उसका एक शिक्षक का रोल तब उसमें होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये संगठन की कोई परिभाषा तो होगी। तो लोक प्रशासन में आप जानते हैं बड़े बड़े लेखक हैं, मूने आदि अरविक है, बहुत बड़े बड़े लेखक हैं। इन लोगों ने, जिन लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, लोक प्रशासन, उन्होंने अपना विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। और पहली परिभाषा जिसे हमारे है कि ये हमारे हैं जॉन एम गॉस के अनुसार, संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्धारण होके और निर्वहन हो सके। दूसरी है लूथर गुलिक की, इन्होंने कहा है कि संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जाती है। तो ये भी एक संगठन की बात कर रहे हैं। और फिर दूसरा है उसके अंदर फिफ्नर के अनुसार, संगठन लोगों के बीच का एक संबंध है और वो संबंधन इस प्रकार बनाया गया है कि व्यवस्थित रूप से श्रम विभाजन में आपकी सहायता कर सके। ये इस प्रकार से है। और नेक्स्ट है एम जी डेविस के अनुसार, सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया कोई समूह वही संगठन का नाम लेता है। और व्यक्ति विशेष एवं पद विशेष उसको कंट्रोल भी करता है और वो उसका निदेशक कहलाता है या प्राचार्य या डायरेक्टर या जनरल जो भी कहलाता है वो उसके विशेष नाम से कहलाता है। जेडी मुनी के अनुसार, एक समान ध्येय की प्राप्ति के लिए बनने वाले प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढांचा संगठन है। उसके अलावा ग्लेडन एक भी बहुत बड़ा लेखक है, इसने कहा है कि परस्पर संबंधों की जो पूर्ति है के जो नीड्स की पूर्ति है और वो ऐसी प्रतिकृति बनाता है, ऐसा मॉडल है जो उद्यम के कार्य को पूरा कर सके, यानी आपके सामूहिक उद्देश्य का जो
सहायता का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा कर सके वही संगठन है। अब संगठन की विशेषता क्या है? संगठन की विशेषता जैसा मैंने बताया पहले कि संगठन एक समूह है। पहला तो ये कि वो संगठन एक समूह है, समूह का होना जरूरी है, उसके बिना संगठन नहीं हो सकता। परिवार एक समूह है और इस प्रकार से आपके गांव भी एक समूह है, लोगों का एक समूह है, वो कहलाता है गांव कहलाता है। और उसी प्रकार से फौज भी देश के लिए जो चुने जाते हैं बॉर्डर की रक्षा के लिए, वो एक उनका लोगों का समूह है। चिकित्सालय एक डॉक्टर नर्सों का विशेष प्रकार के लोगों का समूह है। और हर कंपनी रिलायंस है तो वो भी एक लोगों का समूह है जो काम अपने निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। सेकंड चीज, पहला तो है समूह और सेकंड चीज आती है उद्देश्य, कि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति करने का काम ही इन लोगों का है। तो इस संगठन की विशेषता सेकंड है। और समूह को उत्तरदायित्व दिया जाता है, समूह में हर व्यक्ति का एक उत्तरदायित्व होता है, वो उसका कार्य करता है। फिर चौथा पॉइंट है कि यह प्रबंध का यंत्र है, यानी कि मैनेजमेंट का एक यंत्र है जिसके द्वारा कि अपने कार्यों की पूर्ति करता है। फिर समूह के प्रयासों को निर्देशन के द्वारा निर्धारित तरीके से पूरा करने वाला ही संगठन है, कि जब वो अपने उद्देश्य की पूर्ति जो है अपने तरीके से करता है तब वो संगठन कहलाता है। फिर यह संरचनात्मक संबंधों को स्थापित करता है, कि संरचना ढांचा, ढांचा संगठन एक ढांचा है। जैसे कि मानो परिवार है, आपके पिता है, माता है, वो आपके पूज्य हैं और वो आपके सीनियर हैं और आप सबॉर्डिनेट हो, जूनियर हो। ऐसे आपका भाई भी आपका सीनियर और आप जूनियर हो सकते हैं, और आपके जूनियर भी कोई एक छोटा भाई बहन कोई हो सकता है। तो वो एक क्रम बना हुआ है, संरचना बनी हुई है, और उस संरचना को हर संगठन में हम पाते हैं। फिर यह एक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करता है, जैसा तो मालूम हो गया, लेकिन कैसे करेगा? कि श्रम विभाजन, आप लोगों के बीच में श्रम विभाजन होगा, बिना श्रम विभाजन के कार्य कैसे होगा ये बताइए मुझे। आपकी जब आपको आपका कार्य निश्चित है, जैसे आप संगठन में आपके परिवार में आपकी मदर खाना बनाती है, मान लो आप खाना बनाते हैं, विद्यार्थी कोई पुरुष है और वो खाना बनाता है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई लड़की है वो खाना बनाती है तो वो कार्य उसका है। और मान लो किसी व्यक्ति के पिताजी हैं, वो नौकरी करने जाते हैं तो वो कमा के लाते हैं, या खेती करते हैं तो आपका कोई काम खेती में होगा, कि जैसे आप गाय भैंस का दूध निकालता है, वो तो जो व्यक्ति है जो गाय भैंस निकालता है, या निराई गुड़ाई फसल में कटाई में आपके परिवार के लोग लगते हैं, तो ये एक ऑटोमेटिक काम है जिसमें कि श्रम विभाजन बहुत जरूरी है, बिना श्रम विभाजन के वो नहीं है। फिर अधिकार भी होते हैं लोगों के, हर आदमी का अधिकार होता है, और उस अधिकार रूप में ही आपको कार्य करने को कहता है। जैसे कि जनरल अपने नीचे जो मेजर जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, वो ऑर्डर देता है, वो उसके वजह से ऑर्डर पूरा करते हैं, वो फिर नीचे ऑर्डर देते हैं, ऐसे करके सिपाही तक फौजी तक ऑर्डर जाता है। तो ये एक समूह और दायित्वों की श्रृंखलाबद्ध समूह है। और फिर क्या है, अधिकारों का क्षेत्र निर्धारण करता है कि किसके क्या अधिकार हैं सामान्य देश की पूर्ति के लिए, वो होता है। इसके अलावा संगठन जो है उसका कोई आधार भी होता है, प्रकार कि संगठन के प्रकार, और बल्कि हम ये पूछ लें कि संगठन की ऐसे कौन सी चीज है जो कि संगठन बनाती है, ऐसे कौन सा आधार है संगठन बनाता है। तो पहला है कार्य, कि जो भी कार्य है किसी भी संगठन को एक कार्य के अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि कृषि, सिंचाई, ये जो विभाग है सरकार के, ये संगठन का ही तो रूप है। कि जैसे श्रम विभाग श्रमिक लोगों को देखेगा, सिंचाई विभाग पानी का देखेगा, बिजली विभाग बिजली बांटने में देखेगा, जल विभाग जल को बांटने में दिखेगा, सड़क निर्माण विभाग सड़क का ही निर्माण करेगा, हाउसिंग बोर्ड वाला हाउसिंग की निर्माण करेगा, स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा को, शिक्षा विभाग शिक्षा को, ये सब विभाग पर्टिकुलर एक उद्देश्य के लिए एक समूह कर्मचारियों का, अफसरों का, मंत्रियों का एक समूह है मिला मिलो के, जो अपना विशेष कार्य करता है। तो पहला कार्य के बेस पर भी समूह बनते हैं, संगठन बनता है। दूसरा है संगठन का आधार, कोई प्रक्रिया, कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण कि आपका संगठन एक विशेष प्रकार का है। तो जैसे मैं यदि CA चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं लोगों का इनकम टैक्स का रिटर्न, कंपनियों का इनकम टैक्स भरता हूं, तो मेरा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि केवल मेरी कंपनी में जो आएगा वो CA का काम करने ही आ रहा होगा, बाकी किसी और काम से नहीं आएगा, वो चिकित्सा के लिए नहीं आएगा, पढ़ने के लिए नहीं आएगा, उसको तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है सरकार का, तो उसको उसके लिए CA को ढूंढना पड़ेगा। वो CA ऑथराइज्ड डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, इसलिए वो प्रक्रिया के आधार पर एक व्यक्ति है जो कि ये काम कर रहा है। उसी प्रकार से वकालत वकील, बैरिस्टर, लॉयर,
उसके बाद जब जाएंगे तो आप अपने किसी केस को सॉल्व करने या कानूनी राय जानने के लिए जाएंगे, तो कानूनी कार्य करने का काम वकालत का ग्राहक यानी विशेष वर्ग के ग्राहकों का एक संगठन, जनजाति संगठन, ये उसके कौन लोग हैं, कौन ग्राहक हैं, जनजाति वाले ग्राहक मतलब कि उसके कौन क्लाइंट्स हैं, कौन लोग उनके पास आते हैं, तो वो जनजाति संगठन है। लघु उद्योग में छोटे उद्योग वाले आते हैं, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग समाज कोई है तो वो संगठन केवल पूर्व सैनिक के कल्याण के लिए बैठा हुआ है, वो वर्तमान सैनिकों के लिए नहीं बैठा हुआ और किसी के लिए भी नहीं बैठा हुआ, केवल पूर्व सैनिकों का कल्याण करेगा। फिर क्षेत्र यानी कि क्षेत्र विशेष में जो संगठन है, जैसे इंदिरा गांधी नहर योजना आप जानते हैं, पंजाब से जो नहर आ रही है वो इंदिरा गांधी नहर योजना आपके जैसलमेर होती हुई बाड़मेर तक जाएगी, तो जो जा रही है अभी बह रही है, तो उसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना या दामोदर घाटी नहर परियोजना साउथ ईस्ट इंडिया में, वहां पर भी ये दामोदर वैली है, तो मतलब दामोदर जो नदी बेसिन है उसमें ही ये कार्य करती है। विदेश विभाग है, केंद्र विदेशों का काम करता है, तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि क्षेत्र के हिसाब से विदेश विभाग जो है चीन का या इंग्लैंड का या हमारे अमेरिका का राजदूत जो है, तो उसका एक विशेष विभाग बटा हुआ है, तो वो उसके केवल वही कार्य, और एक क्षेत्र विशेष कि किस क्षेत्र में आपका राजदूत बैठा हुआ है तो उसमें वो कार्य करेगा। तो ये है, आगे हम और पढ़ेंगे। थैंक यू बेटे।